अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सजाद ताफू है और मैं अलहमरा काउंसिल में गिटार टीचर हूँ। और आपके लिए खुशी का बहुत ज़्यादा एक बड़ा पैगाम है कि अलहमरा काउंसिल ने ऑनलाइन गिटार क्लास का आगाज़ कर दिया है। और इसमें हम आपको बताएंगे कि हज़ारों साल पहले गिटार कैसे आया दुनिया में और इसका पहला स्केल किसने बनाया। आज से हज़ारों साल पहले जब अरब की यूरोप के साथ जंग हुई तो अरब ने यूरोप को फतह किया, तो वहाँ अरब ने एक जश्न मनाया जिसमें सितार बजा रहे थे, क्योंकि अरब में खाल और सितार का साज वहाँ से बना। और वहाँ जब सितार बजा रहे थे, ऐसे एक आपको पता है क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो जब बजा रहे थे वहाँ जो यूरोप में कैदी थे वो जश्न देख रहे थे, उस कॉन्सर्ट को वॉच कर रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि ये सितार की शक्ल क्या है। वहाँ कुछ कैदी म्यूज़िशन भी थे स्पेन के, इटली के, फ्रांस के, जिनके साथ जंग हुई थी। तो उन्होंने देखा जब वो शो, उसमें म्यूज़िकल नाइट थी, और उसमें उन्होंने सितार को देखकर फिर आस्ता आस्ता उस दौर में उन्होंने गिटार की शक्ल बनाना शुरू की। और गिटार जा के ना तकरीबन 1850 में एक बंदा स्पेन का, जिसका नाम था, जिसने जो इन्वेंटर था गिटार का, उसका नाम था एंटोनियो टॉरस, जिसने गिटार पहली शक्ल में बनाई। और 1930 में जाके बहुत जैज़ म्यूज़िक उसमें आ गया। और ये बंदा इतना ज़बरदस्त था जिसने गिटार को बजाया भी और पूरी दुनिया में मुतारफ़ कराई उसने गिटार। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे कि गिटार जो है इसका वर्ल्ड टूर किसने किया, पहला गिटारिस्ट कौन था। पहला गिटारिस्ट बहुत ज़बरदस्त था और 1920 में उसने वर्ल्ड टूर किया था एंड्रेस सेगोविया। पहली गिटार टूर उसने किया और हमने भी उसको देख के फॉलो किया कि इतना बड़ा गिटारिस्ट जिसने दुनिया में मुतारफ़ कराया कि ई माइनर क्या है, कॉर्ड क्या होता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो गिटार है इसका मतलब बॉडी के कितने पार्ट्स हैं। जैसे ये ट्यूनिंग की है, ई स्ट्रिंग है, इसके साथ ये एक ट्यूनिंग की है जिसके साथ हम ट्यून करते हैं, और ये बी स्ट्रिंग है, और ये जी स्ट्रिंग है, और ये डी की 4 नंबर ट्यूनिंग की, और ए 5 नंबर ट्यूनिंग की, और ई नेचुरल E2 इसको बोलते हैं, E6 नंबर। और ये साथ ट्यूनिंग की उसने बनाई कि इसको ट्यून कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब इसके नोट बने, जैसे 7 सुर दुनिया में आए, उसी वही क्लासिकल नोट हैं, वही वेस्टर्न नोट हैं। उन 7 सुरों में नेचुरल नोट जो हैं वो ये हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। ऐसे उन्होंने ई नोट बनाए, ई एफ जी ए बी सी डी, और फिर ई आ गया। फिर अगला ऑक्टेव आ गया, 8 बीट का, 8 नोट का एक ऑक्टेव बनता है। सेकंड ऑक्टेव फिर शुरू हो जाता है, ई एफ जी ए बी सी डी ई। फिर तीसरा ऑक्टेव, ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी। हर इंस्ट्रूमेंट का नोट होता है, कोई जी तक जाता है, कोई बी तक जाता है। हमारा ये ट्रेबल क्लिफ है। ट्रेबल क्लिफ वो होता है जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और एक होता है बेस क्लिफ। तो ट्रेबल क्लिफ है हमारा ई से, ये नोट से, ई एफ जी ए बी सी डी ई, ये ट्रेबल क्लिफ इंस्ट्रूमेंट है। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आप पियानो बजाते हो तो लेफ़्ट हैंड के नीचे बेस चला जाता है, तो बेस क्लिफ जो है वो नीचे वाला सी के नीचे रहता है, एफ और पीछे जाके सेकंड जो लेफ़्ट हैंड से है वो दरमियान में, वो बेस क्लिफ है। ये हमारा ट्रेबल क्लिफ इंस्ट्रूमेंट है। ये बहुत ज़रूरी जानना है ताकि शार्प इंस्ट्रूमेंट में नज़र आता है। अब हम इसमें आपको ये नेचुरल नोट हो गए। अब इसमें हमने आपको ई माइनर, जो एक बिल्कुल प्लेन ई माइनर है, वो क्या है, ये गिटार का सबसे पहला स्केल ई माइनर है। कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका जी से शुरू होता है। अब ये है कि इसमें हमने जी ई माइनर जो है, हार्मोनिक ई माइनर, एक तो मैंने प्लेन बजा दिया कि हार्मोनिक में ये है ई एफ शार्प जी ए बी सी, ये डी शार्प नोट आ गया, यानी कितना बदल गया, लेते हैं ई हार्मोनिक, ये आपने इसकी पोजीशन देखनी है, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जिससे ये ऊपर वाली पोजीशन जैसे आप ये कैसे करेंगे जब तक वो आपको नोट ना नज़र आएंगे, वो पोजीशन ना नज़र आएगी कि सोलो लीड कैसे बजाते हैं, इसलिए ये स्केल ऊपर वाला बजाना ज़रूरी है आपके लिए। और यहाँ से वापस आना है, और ई माइनर में इसकी फैमिली कॉर्ड क्या है, ई माइनर्स के, ई माइनर। असल तो स्केल दो ही शुरू से बने थे, माइनर और मेजर, उसके बाद में ऑगमेंटेड डिमिनिश आ गए। ई माइनर, ए माइनर, डी मेजर, सी मेजर, बी सेवन की ये भी पोजीशन है, और ये है 1 2 3 और आखिरी को ये, और एक ऊपर भी जाती है। इसमें जी मेजर भी आता है, 1 2 3, एक ये पोजीशन है इसकी, एक ये है। फैमिली कॉर्ड में आप इसमें ई माइनर 7 डी नोट पे आपकी ये टो आ गई, फिर आया ऊपर वाली पोजीशंस, ई माइनर 7, ई 6 और माइनर, और सी शार्प पे आपकी टो आ गई। जब हम फैमिली कॉर्ड कर रहे हैं, फिर आया ई माइनर, ए माइनर, डी मेजर, बी 7, जी मेजर, ऊपर वाला ए माइनर, बी मेजर। इसमें और भी कॉर्ड है। अब हम आपको लेके चलते हैं ई में, ई मेजर। ई मेजर कैसे होता है? जैसे क्लासिकल में अपना मध्यम नोट है, शार्प नोट है, तीवर नोट है, कोमल नोट है, ऐसे इसमें 4 शार्प बहुत ज़रूरी हैं। आपको शार्प के बारे में बताएंगे कि शार्प वो नोट है जैसे चलते ही आधा नोट सुर आप ऊपर करते हैं किसी राग में, तो वो तीवर बोलते हैं। जब हम ई माइनर में जैसे ई नेचुरल चल रहे थे ना सारे, अब ये ई एफ है, अब एफ शार्प आ गया, इसका मतलब है तीवर नोट। ई एफ शार्प, जी शार्प, ए नेचुरल, बी नेचुरल, सी शार्प, डी शार्प, ये 4 शार्प स्केल आ गया ई मेजर में। यानी मैं ई फैमिली के अंदर ही हूँ अभी। ई माइनर के आपको बताया कि उसका जो प्लेन स्केल है और हार्मोनिक स्केल क्या है, और जो ई मेजर बनता है जिससे मेजर स्केल होता है, दोनों ही बड़े स्केल हैं, ई माइनर और ए मेजर। जैसे दरबारी और भैरवी, एमन, मेन राग है, उनमें से सारे राग निकले, मेघ है, इसलिए इसमें से हम पहला शार्प एफ, दूसरा शार्प जी, तीसरा शार्प सी, चौथा शार्प डी, ये 4 शार्प स्केल जिसमें हम ई मेजर आपको बता रहे हैं। ये डी शार्प नोट आएगा, फिर ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए नेचुरल, बी नेचुरल, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी, सी शार्प, डी शार्प, ए, एफ शार्प, जी शार्प, ए नेचुरल, बी नेचुरल, सी शार्प, डी शार्प, ई, और एफ शार्प और जी शार्प तक जो इसके असूल हैं, जितने नोट जा रहे हैं, इन नोटों में ई मेजर आ जाता है। ठीक है ना? अब इसमें हम आपको एक वैम्पिंग देते हैं, बहुत मशहूर सी है इसमें। अब दूसरी पोजीशन में हम आ जाते हैं। चला आपको नेक्स्ट लेसन की तरफ लेके जाएंगे कि इसके आगे हमने क्या आपको बताना है। पहले आपने ये देख लिया फिंगर बोर्ड के नाम, ई माइनर में फैमिली में कितने स्केल हैं और रिदम क्या है। आस्ते आस्ते आपको आगे लेके चलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे लर्न करना है हमने। थैंक यू।